Sound wave of frequency 245 hertz travels with a speed of 300 along positive x-axis. तो जब wave positive x-axis में जाती है, तो vt minus x या x minus vt ऐसा function होता है, minus plus नहीं होता. Each point of waves move to and fro through a total distance of 6. Mean है 2, fro total 6. तो means extreme का position 6/2 3. तो amplitude क्या है? 3. What will be the mathematical expression? तो amplitude पहली बार तो answer ये नहीं होगा, answer इनमें ये होगा. और wave vt minus x या x minus vt, चलो minus तो लगा ही हुआ है. तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पर? एक तो k निकालना है और एक omega निकालना है. तो frequency तो given ही है इसमें, तो omega आ गया, तो वहीं से answer आ जाएगा, खत्म करने. ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेना omega, बस यहीं से 1.5 वाला आंसर है. ठीक, नेक्स्ट कौन सी ट्रेवलिंग वेव है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये रहा आंसर. क्या सही क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन हो तो ऐसे मेन नीट में तो आते हैं, मेन में भी आए हूँ. ये लो, क्या लगाएंगे फॉर्मूला बताओ. टेंशन टी एक्स एंड टी जेड है, फंडामेंटल गिवन है इसमें. फ्रीक्वेंसी क्या निकालना है? रेशियो. देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू. तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन. तो लगा लो, हो गया. दो केस है, तो एक पहला एक्स वाला केस है, एक वाई जेड वाला केस है आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स
दो क्रेस्ट के बीच में दूरी 5 मीटर है। प्रॉब्लम है इसमें, क्रेस्ट के बीच में दूरी 5 मीटर है, कौन से दो क्रेस्ट लूँ, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला पांचवा, पता नहीं। दो क्रेस्ट के बीच में दूरी 5 मीटर है बस, दो ट्रफ के बीच में दूरी नहीं। ओके, व्हेन क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में दूरी 1.5 है तो क्या निकालना है, और कौन सा क्रेस्ट कौन सा ट्रफ ये नहीं पता, नंबर नहीं पता, एक और पांचवा भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि पॉसिबल वेवलेंथ, अभी तो कह रहा है पॉसिबल, एक वेवलेंथ नहीं है, ऐसे कई केस हो सकते हैं, तो पॉसिबल वेवलेंथ की सीरीज क्या होगी। तो रूल नंबर वन, क्रेस्ट और क्रेस्ट में दूरी होती क्या है, चेक करो, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। लैम्डा होती है पहले और दूसरे क्रेस्ट में लैम्डा, पहले और तीसरे क्रेस्ट में 2 लैम्डा, नेक्स्ट पहले और चौथे क्रेस्ट में 3 लैम्डा, सही है। अच्छा, क्रेस्ट और ट्रफ में दूरी क्या होती है, क्रेस्ट जो है लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, कितना, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 है पहले और दूसरे में, फिर 3 लैम्डा बाय 2 है, 5 लैम्डा बाय 2 है, तो ठीक लिखाना, ट्रफ और क्रेस्ट में ऑड मल्टीपल है, क्रेस्ट और क्रेस्ट में एन लैम्डा। अब एन तो डिफरेंट डिफरेंट है, एन वन एन टू कर लिया, तो डिवाइड कर लिया, जो ये डिस्टेंस है 1.5 गिवन है, ये डिस्टेंस 5 गिवन है, तो इक्वेशन बन गई n1 n2 की, n1 n2 की इक्वेशन बन गई। पर आपको क्या निकालना है इसमें, लैम्डा। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी, 5 = 2 n2 ले लिया है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये तो मुझे पता ही है कि 5 जो है वो किसके इक्वल है, 2 times n2 के इक्वल है, मानते हो। अगर मैं आपको इसके अंदर 2 times n2, हाँ, अगर मैं इसके अंदर आपको क्या बताऊं कि जो 5 = 2 n2 है, और मुझे क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा निकालना है, नहीं लैम्डा n2 है, तो अगर मैं n2 बता दूं तो लैम्डा आ जाएगा। अब n2 बताने के लिए मुझे n1 बताना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल है। अगर n1 1 है तो n2 5 है, कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाल लेना, एक आंसर, ठीक है, एक आंसर। दूसरा, अगर n1 4 है तो n2 निकाल लेना। आपको क्या, n1 2 भी तो हो सकता था, 3, हाँ तो ले लो, वो कह रहा है केस आएगा ही नहीं, कॉरस्पॉन्ड मैच नहीं करेगा। तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, 7 पुट करो, तो ऐसे सीरीज मिलेगी आपको लैम्डा की, तब जाके आपके आंसर आएगा। हिट एंड ट्रायल है इसमें थोड़ा, ठीक। वैसे इसको ऐसे भी कर सकते थे मेरे को लगता है, कि जैसे कोई भी पहला और दूसरे के बीच में डिस्टेंस क्रेस्ट क्रेस्ट में कितना है, लैम्डा है ना, और ये लैम्डा है, फिर अगला क्या है, 2 लैम्डा है, अगला 3 लैम्डा, एंड तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो मैं इक्वेट करता हूँ, जैसे लैम्डा इक्वल टू 5, एक आंसर, 2 लैम्डा इक्वल टू 5 भी हो सकता था, 2 आंसर, 3 लैम्डा 5 हो सकता था, 3 आंसर, 4 लैम्डा 5, 5 लैम्डा 5, तो वहाँ से लैम्डा ऑप्शन देख देख के टिक मार्क, ऐसा कुछ उल्ट, लेकिन साथ में 1.5 वाला केस भी सेटिस्फाई होना चाहिए साथ में, कुछ ऐसा, पर वो ज़्यादा लंबा तरीका है। ये हिट एंड ट्रायल, ठीक है, इक्वेशन बन गई, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, हाँ जी, 3 हार्मोनिक वेव्स हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी न्यू एंड सेम इंटेंसिटी आई नॉट हैव फेज एंगल्स ऑफ 0, π/4 एंड -π/4 व्हेन दे आर सुपर इम्पोज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज क्लोज टू व्हाट। देखो, इंटेंसिटी में फेज डिफरेंस पता है या एम्पलीट्यूड में पता है या वेव की इक्वेशन में एक ही बात है। तो देखो, अगर एक इक्वेशन ये है तो दूसरी एक आगे और एक पीछे है, तो रिजल्टेंट निकालना है, मेडिकल का क्वेश्चन नहीं है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, नॉन मेडिकल वालों के लिए, वैसे हो सकता है ये मेडिकल के लिए भी,
हमने SHM के अंदर किया था, आप इसके वेक्टर बना लेना, पाई बाय फोर आगे पाई बाय फोर पीछे, फिर कंपोनेंट्स बना के कर लेना, वो ज़्यादा आसान है। मैथ्स वालों के लिए और भी आसान है, इसको ओपन करेंगे साइन ऑफ सी माइनस डी सी प्लस डी, तो ओपन करके सॉल्व करके ये इक्वेशन आएगी। तो क्या बनेगा, ये एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या है उसकी इंटेंसिटी, पहले इंटेंसिटी ए स्क्वायर के साथ थी, अब इसके साथ है, डिवाइड करके आंसर। वैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तीन इक्वेशंस का वो ठीक नहीं है जो शीट में कर रखा है एसएचएम की, वेक्टर फेजर बना बना के मैंने करवाया था, ठीक आंसर ये क्वेश्चन।
नहीं आया, पाई पाई आया। देखो कैसे डिसाइड करते हो, पहली चीज ये आपने इक्वेशन लिखी, आपने इक्वेशन लिख ली, इस इक्वेशन में आपने एक्स को जीरो और टाइम को जीरो पुट किया, सॉल्व करके साइन फाई आया, साइन फाई जीरो या पाई दोनों में से एक आंसर है, ठीक हो गया। अब आंसर जीरो होगा या पाई होगा, इसके लिए आप ओरिजिन पे चले जाएं, स्लोप नीचे आ रही है, नेगेटिव स्लोप है, तो स्लोप निकालो पहले, ये स्लोप निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये आंसर आया, डिफरेंशिएट करके स्लोप आ गई, फिर आपने टी को और एक्स को जीरो पुट किया तो स्लोप आ गई, जब आपने इनमें से जीरो पुट किया स्लोप पॉजिटिव है, पाई पुट किया स्लोप नेगेटिव है, ये आंसर आ गया पाई। एक तरीका, दूसरा मैं सही हूँ कि गलत हूँ मुझे पता नहीं, आप बताओ, साइन का उल्टा ग्राफ है ये, तो पाई आंसर है, कितने होने सोचा, ठीक है, ऊपर की बजाय नीचे से स्टार्ट हुआ तो माइनस, पाई आंसर हो गया, डन हो गया, ठीक है, सही सोचा। देखो नेक्स्ट, टू वेव्स आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एंड इक्वेशंस y1 y2 गिवन है, a1 a2 भी गिवन है, x0 भी गिवन है एंड वेव नंबर भी गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, रिजल्टिंग वेव में क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, ये मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, पहले वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके y1 y2 आ गया, प्रॉब्लम क्या है, ये साइन है, ये साइन है, फेज डिफरेंस है कितना 3.5, तो हम पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, फाई क्या निकलेगा, अब इनको माइनस करोगे 3.5 पार डिफरेंस है, तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार डिफरेंस क्या आ गया, फेस डिफरेंस, तो यहां पर फाई की जगह फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस पुट करके आंसर आएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट शीट की प्रॉब्लम है ये, करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिस्टरबेंस y गिवन है और ये गिवन है y एट टाइम t इक्वल टू 0 पे और ये टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो आपको v बताना है क्या है, देखो वेव फंक्शन क्या होता है, x minus vt, t तो 1 है तो v क्या है 2, आंसर 2, आसान है यार, इन अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट द ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर टू हाइट ऑफ 17। देखो आपको L1 L2 दो रेजोनेंस ट्यूब की लेंथ गिवन है, याद है करवाया था, और आपको V गिवन है, तो आप पहले L1 L2 से लैम्डा निकालते हो, लैम्डा से न्यू निकालते हो, तो करवाया था ना, तो पहले आप यहाँ से लैम्डा निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला लैम्डा का किया था, लैम्डा V इज न्यू लैम्डा से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, डन। ये भी शीट की प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम रेजोनेंस ट्यूब वाली सेम प्रॉब्लम है।
अ वायर जिसकी लेंथ क्या है 2L, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें पी और क्यू है क्या, एंटी नोड्स इन ए एंड बी। सोचो डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ नोड, यहाँ नोड, यहाँ नोड, 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 तो काउंट कर लो, दो नोड्स हैं यहाँ पर, दो एंटी नोड हैं यहाँ पर, एक एंटी नोड। उसने बोला ना, ये उसने बोला, गिवन है इस क्वेश्चन में कि सेम मटेरियल है और जॉइंट ऑफ टू वायर फॉर्म द नोड, गिवन है जॉइंट नोड बना रहा है वो, कह रहे हैं। हाँ वो आपको मैथमेटिकली करके देखना पड़ेगा इसमें, कि मान लो अगर आपको देखना है वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी सच दैट जॉइंट, ये रहा दो वायर्स हैं, रेडियस डिफरेंट है, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब म्यू को पुट करना पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पुट करके, डेंसिटी आपको इसमें आर और टू आर गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो जिसका रेडियस पाई आर स्क्वायर, मतलब कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू क्या होता है, मास, मास क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय लेंथ, तो यहां पर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू रो। ठीक, इसमें एक में रेडियस आर है और एक में रेडियस टू आर है, तो जिसमें आर है वो तो आर ही रहेगा, जिसमें टू आर है, टू आर का स्क्वायर फोर, टू बाहर आएगा, पर फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है तो ऊपर वाले को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू का मतलब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, तो एक में एक मोड होगा, एक में दो मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे सोचना है इसमें मैथमेटिकल, अगर आपने सोचना है इसमें तो इस तरीके से, एक में दो, एक में एक, ऐसा। ठीक है, तो इसमें दो आएगा, इसमें रेशियो लगाओगे इसलिए दो आएगा। देखो कमाल क्वेश्चन पढ़ के ना एक बार कंफ्यूजन होती है, पता है क्या, सोनोमीटर है, मुझे सोनोमीटर का एक ही फॉर्मूला आता है, फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट टी बाई म्यू, बस। ठीक है, वो कह रहे हैं यार एंटी नोड काउंट करके बताओ, मैं एंटी नोड कैसे काउंट करूंगा फ्रीक्वेंसी से, नहीं पता। एक बड़ी सही चीज है, जो फ्रीक्वेंसी है उसका ये फॉर्मूला है 1/2L रूट टी बाई म्यू, अगर फर्स्ट मोड है तो उसमें कितने एंटी नोड बनते हैं, एक, सेकेंड मोड में दो लूप्स हैं तो दो, थर्ड में तीन लूप्स हैं तो तीन, एक दो तीन, तो एन यहां पर क्या स्टैंड करता है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कह रहा है एक बार हमने डेंसिटी रो वन रखी, एक बार रो टू रखी, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, एक में एंटी नोड एन वन है, एक में एन टू, सॉल्व करके आंसर, सही है ना, और ये रूल सही है ना, एंटी नोड, एन स्टैंड फॉर एंटी नोड। ठीक, नेक्स्ट, स्टैंडिंग वेव्स हैं ये रही, व्हाट इज स्पीड, आसान है, ये के एक्स है और ये ओमेगा टी है, तो पहले रेशियो से के आएगा, उसमें ओमेगा आएगा, अब वी की वैल्यू, मैं कहता हूँ इससे आसान को क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं सकता, ऐसे ही आ जाए आपकी बारी में। नेक्स्ट,
इसका आंसर है। इसमें दो फ्रीक्वेंसीज है 9 और 11, दोनों को सुपर इम्पोज किया और डायग्राम बना। आपको बताना है कि इसमें कौन सा डायग्राम सही है आफ्टर सुपर पोजिशन। दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ले लो बीट फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 0.5 चाहिए, ये रहा, ये एक है, ये 1.5 है, क्रेस्ट क्रेस्ट में डिफरेंस टाइम पीरियड 1.5, बाकी इसमें 0.5 आएगा ही नहीं आंसर। पांच बीट्स यहाँ ना पांच नहीं है, इनकरेक्ट है ये ना, बुक में इनकरेक्ट है, यहाँ पर 10 होना चाहिए। 10 बीट्स पर सेकेंड सुनाई दे रही हैं जब ट्यूनिंग फोक और सोनोमीटर इकट्ठे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि लेंथ सोनोमीटर वायर की 0.95 है या 1 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दी फोक क्या होगी ये बताओ। तो फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर का फॉर्मूला ही आता है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ 2 गिवन है, फ्रीक्वेंसी की रेशियो आ गई, और डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, सॉल्व करके आंसर आ गया μ1 μ2। ठीक है, सॉल्यूशन गलत है वैसे इसका बहुत। इसमें देख रहे हैं इसका टाइम पीरियड किस ग्राफ में, टाइम 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, तो क्रेस्ट और क्रेस्ट में कैपिटल टी होता है, हाँ 0.5 होना चाहिए, टाइम पीरियड देखना है 0.5 है। सी पार्ट में टाइम पीरियड नहीं ना, सी पार्ट में ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, ये 0.5 है, ये 1.5 आ रहा है। नेक्स्ट डॉपलर तो बहुत आसान है, इसमें दो कार्स है एक दूसरे की तरफ आ रही है, जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी 676 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो जब वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो आमने सामने का फॉर्मूला याद रखना है, ये याद है, एक ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके 684 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 676 आंसर नंबर ऑफ बीट्स आ गई, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। ड्राइवर ऑफ द बस अप्रोचिंग अ बिग वॉल, कराया था ना, ड्राइवर है कार वाला, वॉल है सामने, तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई 420 से 490, तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ द बस क्या है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ये फॉर्मूला 490 420 सॉल्व करके बस की स्पीड आ जाएगी, वही सोर्स है और वही ऑब्जर्वर है आंसर। ये वॉल वाला प्रॉब्लम जो मैंने कहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है इसमें। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक एम्बुलेंस आई और मुझे यहाँ से यहाँ क्रॉस कर गई, तो ये आंसर है, पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एम्बुलेंस आई ऐसे और कोई ऑब्जर्वर डी डिस्टेंस पे खड़ा था परपेंडिकुलर, तो आपको ट्रेन वाली प्रॉब्लम याद है, थीटा एंगल पर साउंड आएगी, तो यहाँ पर क्या होना लगता था, वी बाई वी माइनस वी कॉस थीटा। अब जैसे जैसे ये पास आएगा एंगल बढ़ता जाएगा, दूर में एंगल छोटा था तो थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा बढ़ने का मतलब है कि इसकी वैल्यू कम हो रही है, जैसे बोलते हैं थीटा पहले कम था, थीटा पहले कम था, कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा थी, तो डिनोमिनेटर कम था तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, लेकिन एंगल बढ़ता गया कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होती गई, कम होती गई, ये डिफरेंस बढ़ता गया, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, और किसी में है ही नहीं। ठीक है, सोर्स डिटेक्टर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विंड नहीं है, स्पीड गिवन है, डिटेक्टर डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी 1800, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है, अरे वही दोनों एक दूसरे के अवे जा रहे हैं, अगर जब पास आ रहे हैं तो ये प्लस के माइनस, जब अवे जा रहे हैं ये माइनस ये प्लस, तो ये 20-20 है, एक ही बात है, तो आंसर आपको आंसर मिल जाए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
एंड वाई हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल साउंडेड एक्स एंड हर्ड बाय द पैसेंजर इन कार वाई इज गिवन. ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है? तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, इसमें ये वैल्यू पुट करें 1320, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आंसर करना ही नहीं है इसमें. फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार हॉर्न एनकाउंटर्ड अ चेंज फ्रॉम 400 से 500 एंड कार अप्रोचेज अ वर्टिकल वॉल, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज गिवन देन स्पीड ऑफ द कार इज व्हाट. तो दीवार के पास आ रही है, दीवार वाला केस याद है ना, ये वाला सेम, ये मत देखें, ये देखें, कार पास आ रही है, एक वही ऑब्जर्वर है, वही सोर्स है, वी सेम. तो सॉल्व करके यहाँ से भी आ जाएगा.